अच्छा किया, सो आई मेरा नेचर में कुछ फर्क आया है, सो आई गिव यू नो लिटिल बिट टैप माय सेल्फ. और कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज जो है ना वो सबकॉन्शियस तक जाती है. एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि हम लोगों को मालूम होता है कि हम हमारी ये हैबिट कुछ अच्छी नहीं है, तो भी हम लोग क्या करते हैं कि डिसाइड तो कर लेते हैं कि हाँ आपसे ना ऐसा नहीं करूंगी या ऐसे नहीं होना चाहिए. लेकिन दूसरी बार जब होता है तो मालूम भी नहीं पड़ता, हो जाता है बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर सबकॉन्शियस दैट वे कि हाँ ये ऐसा किया तो ऐसा करना है. तो whenever you want to change your habits, you have to go deep into subconscious and change. ऊपर से हम लोग को बोलते हैं तो नहीं होता है. मेरे को चलो सुपर सुपर. सो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं बाय फेल फॉर 5 मिनट्स? आल्सो 5 मिनट्स इज आल्सो काउंट्स इन मेडिटेशन. सबसे खास बात ये है. सो ग्रेट 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 सुपर सुपर वेरी गुड. आप सब लोग जो मेडिटेशन कर रहे हो सलाम आपको, बहुत ही बढ़िया. और उसके साथ ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स कौन लिख रहा है? मैं एक डिस्टिंक्शन देना चाहता था, वो मैं आखिरी में दूंगा आपको. आप कर रहे हो ममिता मैम ब्लेसिंग्स कर रहे हो डेली? मुझे पूछ हाँ हाँ लिख रहे हो. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया. सुपर सुपर सुपर. तो एक ब्लेसिंग्स लिखने में डिस्टिंक्शन दूंगा आज मैं, जो आपको थोड़ा गेम चेंज करेगा आपका ब्लेसिंग्स लिखने का. वो अगर लास्ट में मौका मिला, लास्ट में रवि भैया के बाद मौका मिला तो मैं शेयर करूंगा, है ना. तो मैं विक्रम जी को बुलाऊंगा. विक्रम जी, विक्रम सर कैसे हैं? गुड मॉर्निंग भैया. एकदम बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? धुएं लगा रखे हैं आपने बॉम्बे में? अरे नहीं भैया, वेरी वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम आल्सो. थैंक यू सो मच भैया. पता है, तीन शेयरिंग है छोटी छोटी. बोलो सर. तो लास्ट टू लास्ट वीक आई वॉज इन जयपुर एंड ये सरगा सूली के सामने जो गोलगप्पे वाला है मुझे बहुत पसंद है उसके गोलगप्पे. हर लास्ट टू लास्ट टाइम जब आया था उसमें बहुत फ्रेश था. लास्ट टाइम व्हेन आई केम आई गेव लॉट ऑफ ब्लेसिंग. गया एकदम शॉप खाली, फटाफट खाया निकल गया. देन इन टर्म्स ऑफ ट्रेवल मे हैज बीन सुपर्ब. सो मे लास्ट 4 डेज आई वॉज इन गोवा. उसके बाद मैं अलीबाग गया विच इज कॉल्ड एज ए गोवा ऑफ महाराष्ट्र. उसके 6-7 दिन बाद आई वेंट टू केदारनाथ और केदारनाथ में बहुत अच्छा रहा कि नीचे से चॉपर मिल गया. दैट वॉज वेरी नाइस, वो भी मैजिक हुआ. फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, जयपुर में जो ट्री हाउस रिजॉर्ट है वो सडनली क्लब महिंद्रा ने ले लिया एंड आई गॉट टू नो. बुकिंग मिल गया, वी वेंट फॉर होल फैमिली सेलिब्रेशन एंड जो VIP ट्रीटमेंट मिला वहां पे दैट वॉज अमेजिंग. Then June end we were in Jagannathpuri, so almost 4-5 places and Jagannath ji ki bahut kripa rahi. Whole month was so nice and in terms of happiness drive mein bhi itna magic hua ki hum Trapti ji aur hum 3-4 jagah dekh ke aaye the. Fir Trapti ji ne ek jagah dekhi thi jisme wo permission nahi de rahe the chalne ke liye and that was very nice place. क्योंकि मुंबई में वो करीबन 4-5 acres का प्लेस है विच इज डिफिकल्ट टू फाइंड इन द सिटी और इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. फिर उसका ऐसा हुआ कि 2 references ने सेम नेम दिया, दे स्पोक ओवर देयर ऑन इट्स ओन. तो हमने कहा यूनिवर्स इज ओनली कंस्पायरिंग टू डू हैप्पीनेस ड्राइव ओवर देयर और वो भी फिक्स हो रहा है. एवरीथिंग इज मूविंग ऑनवर्ड. सुपर सुपर सुपर. So, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, विक्रम जी और तृप्ति मैम ने मिलके एक हैप्पीनेस ड्राइव का इनिशिएटिव लिया है बॉम्बे में. और एक वहां पे तृप्ति मैम से मेरी बात हो रही थी जिसमें चाइल्ड सपोर्ट सेंटर, चाइल्ड होम है सबसे वो है राइट, अनाथ आश्रम है. दिस इज ए वुमेन ओनली अनाथालय एंड इट हैज 160 गर्ल्स व्हिच इज रेंजिंग फ्रॉम 1 month rather few are 15 days till 18 years. तो एंड बहुत हार्ड टचिंग. आप लोग जो बॉम्बे में हो उस चीज को मिस नहीं करना. आपको अभी ये लग रहा होगा अच्छा जाने से क्या होगा, वहां जाके क्या मिलेगा, पर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जो खुशी आपको वहां मिलेगी वो खुशी विल बी प्राइसलेस. सो थोड़ा आपका एफर्ट लगेगा. बॉम्बे इज ट्रैफिक प्लेस बट आई वॉन्ट एवरी वन इन बॉम्बे शुड गो एंड विजिट दैट प्लेस. जो तृप्ति मैम और विक्रम सर ने मिलके जो एक्टिविटीज प्लान किए हैं आपके लिए, जो डिनर प्लान किया है, इट इज रियली अमेजिंग.
मैं खुद आऊंगा वहां पे, थोड़ा लेट आऊंगा बट मैं आऊंगा जरूर। सो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग अपने बॉम्बे में हैं आप जरूर जाइए, यू विल टच लाइफ, यू विल टच लाइफ, यू विल फील सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। आई कांट इवन टेल यू कि हाउ लकी यू आर। सो जो हैप्पीनेस ड्राइव हमने जयपुर में करी है, मैं आपको मेरी फीलिंग बताता हूँ हर बार। तो मैं थोड़ा कम इन्वॉल्व रहता हूँ, रवि भैया एंड मनाली आर मोर इन्वॉल्व इन इट, आई गो एज अ गेस्ट ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम। सो रवि भैया इज लीडिंग एक्शन फिगर इन दिस, और हर बार हर हैप्पीनेस ड्राइव में दिल को टच होती है वो चीज, दिल को। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त कैसे इमोशंस आते हैं, इट इज नेक्स्ट लेवल इमोशन पार। जो जो लोगों ने हैप्पीनेस ड्राइव किए, कैन दे रिलेट विद इट, कैन दे रियली रिलेट विद इट दैट यू नो सर ठीक है जाते हैं बट डेफिनेटली इमोशंस आर अपरंपार, यस और नो? वी हैव डन अस इन जयपुर, यस सुपर, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रकम सर, थैंक यू तप्ती मैम फॉर डूइंग इट एंड टेकिंग इनिशिएटिव। इट नीड्स लॉट ऑफ मैनेजमेंट, लॉट ऑफ मेहनत। तो सलाम आपको, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू कम टू बॉम्बे। सुपर 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 सुपर, यस रवि भाई यार कहाँ है? यस 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 यस, क्या हाल है सबके? कम ऑन एवरीवन, लेट्स बिल्ड अप द एनर्जी। हम बड़े सस्ते से दिख रहे हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सब लोग सुबह सुबह विशाल जी खड़े हो जाओ, मैं स्वस्थ हूँ, रवि मौसम खड़े हो तो चालू हो जाए, डांस चालू हो जाए। अभी भी है? मैं करूँ म्यूजिक साउंड अभी ये मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो अभी क्या तो म्यूजिक बहुत प्यार अभी म्यूजिक नहीं आ रहा ढंग से। यू हैव टू डू इट, लेट्स गेट द एनर्जी गोइंग, पुट ऑन सम गुड साउंड। स्पॉटलाइट पे हटा देता हूँ। ओके ग्रेट 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 ग्रेट, सब नाइस म्यूजिक प्लीज। I don't know, some issues. So Ankit is going to play it. Ankit, come on. Ankit, 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 Ankit. अब अंकित कौन सा गाना चलाएगा, गेस करो सब। लव यू जिंदगी। अंकित नहीं आ रही आवाज, आई थिंक सम प्रॉब्लम विद जूम नाउ। हाँ
चलो कोई कोई नहीं, एवरीवन गेट अप लेट्स जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून, तू ही राह मेरी तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन ना जाने दर्द ना जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। छोड़ाई घर बार मेरा तू ही है संसार मेरा, ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छोड़ाई घर बार मेरा। Thank you so much. एक बार जोर से, क्या हाल है? I want everyone to repeat together. क्या हाल है? बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, सुपर, जबरदस्त, सुपर। बड़े मिस कर रहा था इस एनर्जी को, बहुत बहुत ही। So glad to be with all of you back. Thank you so much. आज मैं अलग ही मूड हूँ, मतलब एलर्जी का लेवल ही अलग है। Great. So let's not waste time and let's get started. उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं बात कर लेंगे। So कुछ लोग नए हैं। I will do. I will start from the beginning कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ये क्लब की एलुमनाइज मीट होते हैं, ग्रुप विद ग्रेटिट्यूड क्लब होता है, जहाँ पे हम लोग अच्छी अच्छी चीजें शेयर करते हैं एक दूसरे से, राइट? Yes or no? So can anyone show love to me? I am hungry for love. Can I see some hearts, please? Can I see some hearts? Yeah, that way, Pallavi. Pallavi toh hamesha aage rehti hai dil dikhane mein. Great. So aaj ka topic bhi bahut 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 hi umda hai, bahut hi umda topic hai. So let's get started. So gratitude club, we grow with gratitude club classes. हम लोग usually organize करते हैं हर 15 दिन में. And today we have some few new people जो देखना चाह रहे हैं that कि क्या होता है. What is gratitude club? How things are moving? So we are doing a happiness challenge. The ultimate purpose of life is to be happy. And हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम happiness challenge कर रहे हैं. तो हर week हम करीब एक या दो task लेते हैं और कोशिश करते हैं उन टास्क को फॉलो करें, उनको अपनी हैबिट बना लें। सो अभी तक जो जो हमने किया वो क्या किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हैप्पीनेस में हमने क्या क्या किया, सो दैट यू गाइस गेट एन आइडिया कि क्या चल रहा है। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? से यस। यस, थैंक यू कमल जी। तो जिन जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो भी आप लोग आज देख लीजिए कि क्या चल रहा है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हम लोग क्या क्या चीजें मिस कर रहे हैं और भूल चुके हैं और जो रेगुलर करनी चाहिए। सो आई जस्ट क्विकली रिकैप ऑन द होल थिंग, वन सेकेंड। या सो ओके, सो हेवन इज अदर पीपल, हेवन इज अदर पीपल। ये पहला पॉइंट था हमारा कि हमारा इंसानों का एक दूसरे से मिलना कितना जरूरी है, सोशल कनेक्शंस कितने जरूरी हैं।
और जब जब आप अपने दोस्तों यारों से मिलते हो तो आपको क्या करना चाहिए, फोन दूर रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें क्या हाल है कैसे नहीं करके अच्छा कनेक्शन करना चाहिए, हगिंग मोर हगिंग मोर हगिंग मोर, दोस्तों यारों से मिलो तो दिल से मिलना चाहिए, हग करना चाहिए। जस्ट गिविंग यू रिकैप, गुड न्यूज जब भी बात करो स्टार्टिंग गुड न्यूज से होनी चाहिए, जिससे भी बात करो उसको पूरा अटेंशन देना चाहिए, रिस्पॉन्ड एक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिव, इसका एग्जाम्पल शेयर किया था। That was the first point. The second point was the power of anticipation. कोई बताएगा what is the power of anticipation? Anyone wants to come and say, अंकित देख लीजिएगा कोई हाथ उठा रहा है तो चलो ठीक है मैं इसको एक बार I'll just quickly do it. So power of anticipation क्या कि जब जब आप किसी चीज को प्लान कर लेते हो तब तब आपकी हैप्पीनेस और बढ़ जाती है। हॉलीडेज प्लान करनी है, बॉम्बे वाले हैप्पीनेस ड्राइव प्लान कर रहे हैं तो उनका एक्साइटमेंट चरम पे है कि यार कितना अच्छा होगा, सबसे मिलेंगे, सबके साथ ये करेंगे। सो दिस एंटिसिपेशन पीरियड इज गिविंग देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये एंटिसिपेशन पीरियड उनको बड़ा मजा आ रहा है। आई कैन सी हम लोग उस ग्रुप में हैं तो देखते हैं कितना एक्साइटमेंट हो रखा है बॉम्बे वालों के अंदर। सो दैट्स रियली गुड, आई एम हैप्पी टू सी इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, सीट्स फुल हो चुकी हैं। उसके बाद भी लास्ट एलुमनाई में हमने द काइंडनेस एज डिस्कस किया था, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी काइंड। दलाई लामा का था कि आप मतलब यू इट्स जस्ट अ सिंपल रिलीजन, ये आपको मंदिर की जरूरत नहीं है, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, आप किसी के साथ काइंड रहते हो, किसी के साथ आप अच्छा काम करते हो तब आपको खुशी बहुत मिलती है। किसी को दूसरे इंसान को खुश करके आपको जो खुशी मिलेगी वो और कहीं नहीं मिल सकती। तो आपको चैलेंजेस जो दिए थे कि एक कोवर्कर के लिए कॉफी ला दीजिए, किसी पड़ोसी से पूछ लीजिए कि मैं कुछ पिक करके आ सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ आपके लिए, बेसिकली दूसरों की मदद करनी है। क्रेजी लेटर पोस्ट कार्ड मनाली पोस्टिंग दीज एक्टिविटीज ऑन द ग्रुप, तो वो सारी चीजें आपको मिली रही है। सो दिस वॉज द चैलेंज। आज का जो मेन पॉइंट है वो है लविंग काइंडनेस। लविंग काइंडनेस कौन बता रहा है व्हाट इज लविंग काइंडनेस? एनीवन इज कमिंग अप एंड टेलिंग मी व्हाट इज लविंग काइंडनेस? प्लीज टाइप यस, जो भी आगे बताना चाहता है प्लीज टाइप यस। हाथ उठाओ, नहीं उठाओगे तो मैं बुला लूंगा। मनीषा जी पड़ी है सामने, मनीषा जी को बुला लेता। अच्छा अमिता जी आ गए, यस अमिता जी। हेलो रवि जी, कैसे हैं आप? बहुत ही उम्दा यार। हम पूछ लेते हैं आपको, मुझे लगता है लविंग काइंडनेस मींस व्हेन यू लव योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ यू कैन लव अदर्स आल्सो, बिकॉज़ जो अपने पास है वही दे सकते हैं। और जब हम आप दूसरों को प्यार करते हो, अपने खुद के जो ऑरा में अपने खुद के सर्कल में किसी को आने देते हो तो वो बहुत ही कनेक्शन आप बना सकते हो दूसरे के साथ। और वो जो लव है तो वो लव के साथ काइंडनेस अपने आप ही आ जाती है मुझे लगता है कभी। तो वो लव एंड काइंडनेस मुझे लगता है लविंग काइंडनेस इज या इसे होता है ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ही बढ़िया है। If you love something, you will be kind to that person because वो positive जो feelings है, vibrations है, वो आपका दूसरों की तरफ भी जाता ही है। Good, 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 good. अमिता जी आप तो ज्ञान का भंडार हो, you know everything. Great, super. So, अगर आप सब लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों के साथ एक word share किया था, उस word था वो meta. Do you remember meta? Yes. मेटा याद है? Yes. What is it? Sorry, unmute कर दिया मैंने आपको। Meta means friendship, love, to be happy in others' happiness. Yes. So this is we are talking about the same meta thing. कि meta क्या है? So जब जब आप focus करते हो, please इसको समझने की कोशिश करना। This is very very important. This is very very important. जब जब आप focus करते हो to develop the feelings of goodwill, kindness, warmth, आपके अंदर ऐसी भावनाओं को जन्म देने की कोशिश करते हो जो goodwill, warmth, kindness की होती हैं आप दूसरों के लिए और खुद के लिए।
उसको बोला जाता है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी हैप्पी. जब जब आप लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करते हो, आप सब लोग मेडिटेशन करते हो, बट दिस इज अ थिंग विच यू मस्ट बी अवेयर कि लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होता क्या है. सो लेट मी डिस्कस व्हाट इज लविंग काइंडनेस मेडिटेशन. सो व्हाट इज लविंग काइंडनेस मेडिटेशन. व्हेनेवर यू इमेजिन, जब भी आप दूसरे लोगों को इमेजिन करते हो और उनको प्यार भेजते हो, उनको काइंडनेस भेजते हो, फ्रेजेस रिपीट करते हो अपने मन में, अपने दिल में शब्दों को रिपीट करके, जब जब आप उनके लिए और खुद के लिए अच्छी चीजें भेजते हो, व्हेनेवर यू सेंडिंग लव, व्हेनेवर यू सेंडिंग काइंडनेस, वो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहा जाता है. सो आपको इमेजिन करना है, सपोज आपकी मदर आपके सामने बैठी है और फिर आपको क्या करना है, उनको वो फीलिंग्स भेजनी है जो आपके अंदर जन्म ले रही है, फीलिंग्स ऑफ गुडविल, फीलिंग्स ऑफ वार्मथ, फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? या इट्स टाइप ऑफ लव. वेरी गुड नमिता जी, इट्स टाइप ऑफ लव. एंड हाउ डू यू डू दैट? सो आप उस सिद्धांत को विजुलाइज करके ये शब्द रिपीट करते हो. यू नो यू रिपीट दीज थिंग्स, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी एट पीस, मे यू लिव विद ईज, मे यू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग. आप खुश रहो, आप शांति में रहो, आप आराम से रहो और आप हर संघर्ष या हर सफरिंग से दूर रहो. बेसिकली इसका आइडिया क्या होता है कि हम दूसरे इंसान के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स भेजना चाह रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स भेजना चाह रहे हैं. अब ये मेडिटेशन आपको क्या हेल्प करता है? तो रिसर्च ये बोलती है जो जो लोग इस मेडिटेशन को रेगुलर बेसिस पे करते हैं उनको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं. ये जो बेनिफिट्स हैं इसके लविंग काइंडनेस मेडिटेशन के, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही उम्दा बेनिफिट्स हैं. क्या आप लोग सुनना चाहोगे क्या बेनिफिट्स हैं? यस, सो बोला जाता है कि ऑफकोर्स ये जो मेडिटेशन है ये आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस, सोशल कनेक्शन को इम्प्रूव करती है और पॉजिटिव इमोशंस हम सबको चाहिए, राइट? आपको और कंपैशनेट बनाती है, आपको और दयावान बनाती है, एम्पैथेटिक बनाती है, हेल्पफुल बनाती है और आप नेगेटिविटी की तरफ जाना कम कर देते हो. तो जो जो लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा घुसते चले जाते हैं उनके लिए, जो लोग क्रॉनिक पेन, माइग्रेन, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, व्हाटएवर दिस इज, ये सारी बीमारियों के साथ थोड़ा सा भी कनेक्शन रखते हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा हम सबके लिए जो इम्पोर्टेंट है, एजिंग स्लो करती है. तो जो जो लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं आप लोग वापस से जवान हो जाओगे. दिस इज अ प्रूवन रिसर्च कि ये क्या होती है. और सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर जो हम लोग अपना लेते हैं उसमें भी ये मदद करती है. तो रिसर्च बोलती है जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस करी कंटिन्यू 7 हफ्ते तक, जिन जिन लोगों ने ये मेडिटेशन किया कंटिन्यू 7 हफ्ते तक, उन लोगों के जो पॉजिटिव इमोशन थे एकदम ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गए. उनके लिए ग्रैटिट्यूड में रहना, जॉय में रहना, लव में रहना, कंटेंटमेंट में रहना बहुत इजी हो गया. एंड इट वाज लाइक अ प्रॉपर रिसर्च डन, प्रॉपर रिसर्च डन ऑन देम, जो जो लोग ये मेडिटेशन कर रहे हैं उनके साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं. सो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन ये है क्या? ये आपके अंदर इट कीप्स प्रोड्यूसिंग, जब जब आज को प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर ये पॉजिटिविटी प्रोड्यूस करती रहती है. अच्छा आप डेली कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आप ऑन एंड ऑफ भी करते हो तो ये आपके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी प्रोड्यूस करती रहती है. और जो जो लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो लोग हैप्पी हैं, वो लोग हेल्दियर हैं, वो लोग और लविंग है, वो वार्म पीपल, जिनको वार्म पीपल बोला जाता है ना वो. सो अब आपको क्या करना है? तो आज का चैलेंज क्या है? तो आज का चैलेंज ये है कि मेरे को मालूम है घर जाके आप सब लोग ढीले हो जाते हो,
तो ये मेडिटेशन हम आज ही कर लेते हैं सो दैट आपको आइडिया हो कि ये मेडिटेशन का मतलब क्या है. सो आर यू ऑल रेडी फॉर अ मेडिटेशन, फॉर अ स्मॉल मेडिटेशन 5 मिनट्स? यस और नो? मेरे को जब तक हार्ट्स नहीं दिखते तब तक मेरा मन नहीं लगता कि मैं क्या करूं. जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं कैसे आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करूंगा. यस आई लाइक इट. चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो करें, लेट्स स्टार्ट. यू ऑल ओके? प्लीज फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस. जो लोग घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे हैं, कहीं पे भी हैं, आप लोग प्लीज एक जगह बैठ जाओ, एक जगह अच्छी तरीके से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस कि ये लविंग मेडिटेशन होता क्या है. What is loving meditation? Great. Great. एक गहरी सांस लेंगे. I'll put on some music. So that आपको background music आता है. मेरे को बता दीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है. अंकित और मनाली, I'll need your help if you can hear some music. Yes or no? Can you guys hear some music? No, bhaiya. Can't hear. Ek second, I'll increase the volume. Bhaiya, share music karo aapke usme. Don't share with share computer audio. Advanced. So anyways, I'll get it done without the music. No problem. Let's do it without the music. Doesn't matter. So, ये हमारी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है. आप लोग यू हैव टू फील कंफर्टेबल. जहां पे भी आप बैठे हो, जिस भी चीज पे आप बैठे हो, फोकस आप उधर करिए कि आपकी बॉडी जहां बैठी है वहां पे जो टच आपको है, जस्ट फोकस ऑन दैट फर्स्ट. गेट कंफर्टेबल. आंखें बंद कर लीजिए. आपका पूरा जो अटेंशन है आपकी बॉडी में होना चाहिए. ब्रिंग योर अटेंशन टू योर बॉडी. एक गहरी सांस लीजिए. और छोड़िए. वापस से एक गहरी सांस लीजिए कि आपके लंग्स भर जाएं. It should be very deep. आपके lungs बढ़ने चाहिए, आपकी belly बाहर निकल के आनी चाहिए. और धीरे से इस सांस को छोड़िए. एक और गहरी सांस लीजिए. और धीरे से छोड़िए. अब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं. आपका अटेंशन नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ ले आइए. हम लोग एक लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करेंगे और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप एक ऐसे जीव के बारे में सोचिए जिसको आप आसानी से प्यार कर सकते हैं. हो सकता है वो कोई इंसान हो या आपका पेट हो. उस जीव को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए. जब जब आप उनको विजुलाइज करेंगे तो आपके बॉडी में एक ग्लो आएगा, कुछ अच्छे सेंसेशंस आएंगे. उस इंसान को अपने माइंड में रखिए. और अपने मन में ये शब्द रिपीट करेंगे आप मेरे बाद. मे यू बी हैप्पी. मे यू बी एट पीस. मे यू लिव विद ईज. मे यू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग.
आपकी बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे हैं आप उनको एक्सपीरियंस कीजिए. आप अपनी सारी वेल विशेस उस इंसान की तरफ भेज रहे हैं. वापस से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और अपना पूरा अटेंशन आप अपनी तरफ लेके आइए. आपका पूरा अटेंशन आपकी तरफ होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए, आपके दिल के पास होना चाहिए. अब सारी विशेस आपके लिए भेजी जाएंगी और आप वो शब्द रिपीट करोगे जैसे ही मैं बोलता हूं. अपने मन में वो शब्द वापस रिपीट किए जाएंगे. मे आई बी हैप्पी, मे आई बी एट पीस, मे आई लिव विद ईज, May I be free from suffering. आपने अभी अभी सारी आपकी वेल विशेस अपने तरफ भेजी हैं. आप अपने बॉडी में जो सेंसेशन हो रहे हैं उनको नोट कीजिए, रिलैक्स कीजिए. अब वापस से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए. अब आपका अटेंशन बाहर की तरफ जाएगा. आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, आप अपने कम्युनिटी के बारे में सोचोगे, आप अपने शहर के बारे में सोचोगे, आप अपने देश के बारे में सोचोगे, आप इस दुनिया के बारे में सोचोगे. आपकी अवेयरनेस इन सब लोगों के लिए होगी और वापस से ये शब्द आप रिपीट करोगे. मे वी बी हैप्पी, मे वी बी एट पीस, मे वी लिव with ease, may we be free from suffering. Please allow ये जो well wishes आप लोग दे रहे हो, please allow कि ये पूरी दुनिया में spread हो जाए, ये पूरी दुनिया में spread हो जाए. You can be in the state of loving kindness for as much time as you want. Enjoy this state. Enjoy this feel. Enjoy the sensations happening in your body. और जब भी आप लोग रेडी हो, धीरे से अपने पैरों की उंगलियां, अपने हाथों की उंगलियां मूव कीजिएगा और अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल.
Let me know when everyone is back. Om Prakash ji, kuch bolna chahte hain? Yes. हाँ Om Prakash ji. बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मतलब ये 5 मिनट नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा एक समय गुजारे हैं. ये 5 मिनट पूरे दिन में तब्दील हो गया ऐसा लग रहा है. और ये हम प्राय ऐसा कभी कभी करते भी रहते हैं, लविंग काइंडनेस प्रैक्टिस करते हैं. और आज आपके सभी के साथ करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू एक्सलेंट फीलिंग हुआ. ऐसे लगा कि बस मतलब मन जो है खुल गया पूरी तरह से. सुपर सुपर. सो ये चैलेंज है आप सब लोगों के लिए, दैट दिस इज सपोज टू बी डन वेन एवर यू गेट टाइम. 3-4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, बट क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिस है आपके पॉजिटिव इमोशंस को एकदम से बूस्ट कर देती है. और जब जब आप अच्छे इमोशंस में रहते हो तब तब आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हो. मैं बार बार चला चला के बोलता रहता हूँ, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज इक्वल्स टू. मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब हम ऐसा फील करें तो ऐसा अपने सोचें कि जिनके लिए भी फील कर रहे हैं अपने अंदर से एक गोल्डन लाइट उनकी तरफ स्प्रे हो रही है. सुपर 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 वेरी नाइस. सो ग्रेट, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट. अगर किया है तो जल्दी से भेज दो, हार्ट्स भेज दो, दिखा दो यस इफ यू एंजॉयड इट. नहीं किया तो बता दो कि नहीं किया है. वी विल ट्राई एंड इम्प्रूव. मेरी फैमिली है, आई नो कोई किसी को जज नहीं कर रहा है. But yes, let's enjoy it. And please, it's when I call it a challenge, when I say challenge means that you are challenged to practice it every day. You are challenged to practice it every day. Yes? So can I have a yes that yes, we will do it. This is a simple meditation. मैंने आप लोगों को करवा भी दिया. मैंने unmute किया है. I want to hear a yes. सो अगला पॉइंट है, उसके लिए कल मैंने मैसेज डाला था. आइदर यू विल लव इट और यू विल नॉट लव इट एट ऑल. So this next point is a very very crucial point, and you need a next level of wisdom to understand what I'm talking. और आप सब लोगों में वो wisdom है, because आप लोग इस spiritual journey पे चल पड़े हो. So you have to understand what I'm trying to talk. So every week we discuss 2 points, right? Every week we discuss 2 points, and I give you 15 days to practice that. So the next point, is what's your legacy? और इसको समझना बहुत जरूरी है. यहाँ पे लोगों का सर दर्द हो जाता है ऐसे पॉइंट पे. इसको समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आपकी लीगेसी क्या है. ये खूबसूरत सी किताब है, खूबसूरत सी बुक है, द मैन सर्च ऑफ मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल, आप लोगों ने नाम सुना हुआ. उनके लिखे हुए हैं कि आज लोगों को जीने के लिए उनके पास साधन तो है पर जीने के लिए कोई मतलब नहीं है. बस हम जिए जा रहे हैं. हमारे जीवन का क्या मतलब है ये हमको मालूम ही नहीं है. हाउ मेनी पीपल अग्री विद दिस? यस और नो? ग्रेट. तो वो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, राइट? वो एक हिंदी में अपनी कहावत है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे. तो मैंने ना एक बढ़िया सा शेर बना दिया इस पे. मैंने नहीं बनाया, आई थिंक आई रेड इट समवेयर, इट्स इन माय सबकॉन्शियस माइंड. सो इट सेज, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे. हम कहते हैं हम एक दिल लेके आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे. गुड ना? हम एक दिल लेके आए थे और हजारों दिलों में जगह बना के जाएंगे. यस मीनू जी. Good morning. After a long time coming, legacy is something not in the form of money, but anything you leave behind, the influence, the values with your children, whatever good you do today is going to be your legacy behind
because people will remember that your children, whatever you're doing right now with examples, you make your children follow them. And anything you leave behind for the next generation, it could be in the form of your values, principles, anything good, influence, whatever you have done. I think that is legacy. And it's not only the money. So I believe very strongly that legacy you have to leave behind should be like something which is very rock solid, so that it's always remembered after you. Great, great. Something very good. बहुत ही बढ़िया मीनिंग, amazing example, amazing example. Thank you, sir. आपको सारा ज्ञान है, पर इसको action में कैसे लेके आएं? By your actions, examples. By doing today, whenever you, when you do anything what you want to leave behind, then only it can be followed. Otherwise, by saying it can't be. You have to set an example yourself for anything. कुछ एक थोड़ी सी difficult exercise करें जो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर फिर भी करने से पता तो चल जाएगा कि करना क्या है, जीवन का मतलब क्या है. Yes, absolutely. चलो पहले मैं एक चीज समझाता हूँ. पहले तो मैं, हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, ये मैंने लिया नेट से, योर लीगेसी इज एवरी लाइफ यू हैव टच्ड, राइट? डू यू गाइस अग्री? वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मीनू जी. सो अब हम लोग इतने दिनों से, कमल जी माई क्वेश्चन इज टू यू, कि हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब कौन समझाएगा? आई वांट एनीवन टू रेज हैंड एंड एक्सप्लेन मी कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या होती. हमारा अल्टीमेट पर्पस ये है, हम लोग मिलते यहाँ पे हैं कि हमारे को खुश रहना है, हमारे को खुशियां बांटनी है, हमको हैप्पीनेस चाहिए. हम जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ खुशी के लिए कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं खुशी के लिए, हम रिश्तों में हैं खुशी के लिए, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं खुशी के लिए. अल्टीमेट पर्पस हमारी लाइफ का हैप्पीनेस है. यस, तो अब हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है अमिता जी, बताओ. अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि व्हेन यू फील द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, यू नो दैट व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर लिविंग, यू फील फुलफिल्ड. और मुझे लगता है कि वो चीज सिर्फ अपनी हैप्पीनेस या खुद जमा करने से नहीं आती है. इफ यू लुक एट द नेचर, तो जो अपने पास है वो सबको देना सेल्फलेसली, मुझे तो उसमें ज्यादा हैप्पीनेस है. बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ नेचर. इफ यू सी इन नेचर, लाइक ट्रीज है वो भी, जो दे गिव फ्रूट, सन है वो अपने को भी, दैट गिव्स अस लाइट, और जो जिसके पास जो है वो देते रहता है. तो आई थिंक इफ वी ऑल्सो कैन डू दैट, 100% कर सकते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, बट थोड़ा भी, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा हैप्पीनेस देगी एंड इट विल लास्ट ऑल्सो लिटिल लॉन्ग. पर वो दोगे कैसे आप? मुझे लगता है कि व्हेनेवर यू आर हैप्पी विद इन, तो वो ऑटोमेटिकली दैट अट्रैक्ट्स पीपल, यू नो, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस. तो ऐसे लोगों के पास आप खींचते जाते हो. और मुझे लगता है कि व्हाटएवर दे नीड, व्हाटएवर दे, यू नो, व्हाटएवर यू कैन डू फॉर देम, आई एम नॉट सेइंग हेल्पिंग और एनीथिंग, बट टू, यू नो, उनके साथ उस तरह का आप जो व्यवहार करते हो, वो जो आपकी पॉजिटिवनेस है उसकी वाइब्रेशन भी अगर आप किसी को दे सको. जैसे हम लोगों ने अभी जो मेडिटेशन भी किया, लविंग हैप्पीनेस, लविंग काइंडनेस, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों की तरफ पहुंचता ही पहुंचता है, आपकी जो वेल विशेस है या आप कुछ करना चाह रहे हो. चलो यहाँ पे श्रुति जी, सब लोग मैसेज करे जा रहे हैं, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ जॉय, व्हेन यू आर स्टेट ऑफ दिस, व्हेन यू आर फीलिंग सैटिस्फाइड, स्टेट ऑफ जॉय इज बीइंग हैप्पीनेस. ठीक है, आप सब लोग बोल रहे हो कि हाँ हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं तो हम खुश हैं. और अमिता जी भी बोल रही हैं, जब आप पॉजिटिव इमोशन शेयर करते हो दूसरों के साथ तो आप खुश हो जाते हो, राइट? फुलफिलमेंट ज्यादा मुझे लग रहा है. आई डोंट नो द डिफरेंस हैप्पीनेस, बट यस, यू फील फुलफिल्ड अगर आप किसी के भी काम आ जाओ. एक एक चीज और सुनते हैं, अनु जी से और सुनते हैं. अनु जी नाम सही नहीं है, बट यस सर, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. जी, मेरा नाम अनिमेश है. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हैप्पी मॉर्निंग. मुझे ऐसा लगता है ना कि जो काइंडनेस है, काइंडनेस में ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम वो करें जो दूसरे को हैप्पी करे. हो सकता है हमें थोड़ी सी तकलीफ हो, सो ये थोड़ा सा लव और काइंडनेस के बीच का डिफरेंस मुझे लगता है. और यदि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ जहाँ पे मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं हेल्प किए जा रहा हूँ, तो मैं लेगेसी बनाते जाऊँगा अपनी, लोग याद रखेंगे मुझे. और यस, दिस इज हाउ
कैसे आप हेल्प करोगे सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि किस चीज में आप हेल्प करोगे? उस चीज की जिसको जरूरत हो सकता है किसी को समोसा पसंद हो सकता है किसी को अपना बिजनेस ग्रो करने में मेरी हेल्प हो, जिस भी चीज में हेल्प हो और मेरी कैपेसिटी में है, भले ही मुझे तकलीफ हो रही है, दैट इज काइंडनेस टू मी एंड दैट इज हाउ आई सी जरूरत है। आप उसको पैसा दे दोगे तो आपको ऐसा लगता है कि आपने मतलब बहुत सारी हेल्प कर दी? यदि पैसा मतलब मैं देखिए बैजिन के सपोर्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे चाहिए होता है, हो सकता कोई हेल्प हो उसको, समोसे का एग्जांपल लिया मैंने, हो सकता कोई यहाँ पे फ्रेंड हो जैसे बिजनेस एक्सपेंशन में कुछ हेल्प चाहिए हो, सो आई विल हेल्प। यस मनी भी यदि मैं कर दूंगा, मनी हेल्प भी मैं कर दूंगा। सो ठीक है, लेट्स डिस्कस फर्दर। या स्वामी अनम्यूट कर रहा हूँ, बट आई थिंक ऑनलाइन। सो बेसिकली आज तक जो अभी तक मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो सबके चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, तो हम सबको ये लगता है जब जब हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम खुश होते हैं, एंड दिस इज व्हाट लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली रिप्लाइड, दिस रियल हैप्पीनेस लाइज इन हैप्पी बीइंग, मेकिंग अदर्स हैप्पी, बी सेल्फलेस। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, मतलब ठीक है, हैप्पीनेस इज फीलिंग सैटिस्फाइड, स्टेट ऑफ जॉय इज बीइंग हैप्पीनेस। क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपकी हैप्पीनेस इनफ है? So think, please understand guys, कि सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करना इज नॉट इनफ। हैप्पीनेस इन्वॉल्व्स बीइंग सैटिस्फाइड, बीइंग ग्रेटफुल, हाँ दयालु होना, कंपैशन होना, जॉयफुल रहना, पर ये सारे कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं हैप्पीनेस मिक्स के। ये सारी चीजें कॉम्पोनेंट्स हैं हैप्पीनेस मिक्स के। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि आपके जीवन का मतलब क्या है, आपके जीवन का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज कि आपकी लाइफ वर्थ है, आपकी लाइफ इज गुड एंड वर्थ वाइल। सो आई जस्ट शेयर दिस डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस विद यू, share the definition of happiness with you, the experience of joy, contentment or positive well-being. So, ye sare positive emotions ko aap combine kar dete ho apne jeevan ke matlab se aur aapke jeevan mein aisa lagta hai ki your life is worth living. Your life is worth living. Ek philosopher tha, uski ek line maine padhi kahin pe, I would like to share that with you. He says, it is better to be a human being dissatisfied. Again, please write it down. It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Than a pig satisfied. Matlab, it is better ki aap asantusht raho rather than full satisfied raho. It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. So basically, हम लोगों को हमेशा अच्छा फील करना है, हम लोगों को अच्छा फील करना है, हमारे को एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, हमारे को ऐसा जीवन चाहिए जिस जीवन का कोई मतलब हो, और जब जब हम वैसा जीवन जिएंगे तो हम नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे। जब जब हम लोग ऐसा जीवन जिएंगे जिस जीवन का कोई मतलब है तो हमारे को दिशा मिलेगी, हम उस दिशा पे चलेंगे, और जब जब उस दिशा पे चलेंगे तब हम लोग नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये मतलब क्या है, जैसा आप सब लोग बता रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग है कि हाँ, जैसे राकेश सर लिख रहे हैं कि हमारे जीवन का एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है, हम लोग इस धरती पर आए क्यों हैं, हम किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, हमारी लाइफ मीनिंगफुल है कि नहीं है, हमारे मॉरल्स क्या हैं, हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं, हम लोग क्या क्या चीजें करती हैं, करते हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी करती हैं, ये सारी चीजें आप लोग मतलब समझते हो गए, राइट? ये सब डिस्कस किए मैं अपने ग्रेटिट्यूड क्लब में, यस और नो? प्लीज लेट मी नो ये हैवी हो रहा तो, प्लीज लेट मी नो ये हैवी हो रहा हो तो। ये सारी चीजें हम लोग
डिस्कस करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द वैल्यूज यू लिव बाय, व्हाट इज द मॉरल्स यू लिव बाय, व्हाट आर द एक्टिविटीज यू डू टू फुलफिल योरसेल्फ. यस, तो एक काम करते हैं, जस्ट टू कीप इट सिंपल, आई वांट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल, नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट टू कीप इट सिंपल. हम लोग मान लेते हैं ये सारे जो मतलब हैं, ये सारे मतलब जो सारी बातें मैंने करी, ये सब जीवन के मतलब. हो सकता है कि आप अपने जीवन का मतलब भगवान से निकाल लो, आप अपने रिलीजन से निकाल लो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से निकाल लो, आप अपने परिवार से निकाल लो, आप अपने बिजनेस से निकाल लो. तो वो विक्टर फ्रैंकल ये बोलता है कि हर एक मनुष्य धरती पे आया है अपना मिशन लेके. एवरीवन हैज हिज ओन स्पेसिफिक वोकेशन और मिशन इन लाइफ, और हम सबको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा कि जो असाइनमेंट हम लेके आए हैं वो असाइनमेंट पूरा करें और उसको फुलफिल करें. कोई भी हमको रिप्लेस नहीं कर सकता, ये हमारा जीवन वापस नहीं आएगा, और हर एक टास्क जो हम कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए जो हम आए हैं, वो एक यूनिक चीज है, वो वापस से नहीं हो सकती. तो वो क्या मिशन है जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं? अगर हमको सच्ची में खुश रहना है, बहुत खुश रहना है, तो हमारे को वो मतलब ढूंढना पड़ेगा कि हम किस मतलब के लिए आए हैं. तो क्या आप वो मतलब ढूंढना चाहते हो क्या? आप सब लोग वो मतलब ढूंढना चाहते हो कि नहीं? सॉरी, फर्स्ट आई वांट टू नो वेदर यू गाइस आर रेडी, कि आप जिस मतलब के लिए यहां पे आए हो. द ओनली मिशन इज टू बी जॉयफुल. आई अग्री श्रुति जी, बट उसके साथ मिशन, आई मीन इट्स यू वांट टू बी जॉयफुल, आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहना है, बट आप को जब भेजा गया है धरती पे, एक मिशन के साथ भेजा गया कि तेरे में ये आर्ट है, तेरे में ये स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या चाहते हो? यस, तो ये जो एक्सरसाइज है, ये बड़ी दुख भरी एक्सरसाइज है, आदमी को हिला देती है एक बार तो, बट अगर आप लोग इसको करोगे सो यू विल रियली रियली एंजॉय इट. सो आर यू गाइज रेडी? आप लोग सुनना चाहते हो क्या एक्सरसाइज है, ये चैलेंज क्या है? पहले तो जो कमजोर दिल वाले हैं वो हट जाओ, आप लोगों की बस की बात नहीं, कमजोर दिल वालों की बस की बात नहीं है. आई वॉन्ट टू से यस कि हाँ सर, हमारे को हमारी लाइफ का मतलब चाहिए. ओके, सो लेट्स डू इट. ये चैलेंज क्या है? ये चैलेंज ये है, पिछली बार मैंने एक बार पावर ऑफ पॉजिटिविटी में कराया था, तो सब लोग, कुछ लोग तो नाराज हो गए थे, क्या मजाक है, ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है. पर आई लेट मी टेल यू, जीवन और मौत ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं. जीवन और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है. और अगर आपको चाहते हो कि आप अपने जीवन में खुशियां लाओ और आपके जीवन का कोई मतलब हो, तो ये एक्सरसाइज को ढंग से समझना. आपको ये देखना पड़ेगा कि इमेजिन करो आप एक फ्यूनरल में हो, इमेजिन करना पड़ेगा आप एक फ्यूनरल में हो या एक बैठक में हो, जहां पे आप जब देखते हो आसपास तो आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली दिखते हैं, और सडनली आप रियलाइज करते हो वो आपका फ्यूनरल है. क्या रियलाइज करते हो? वो आपका फ्यूनरल है. फ्यूनरल एक ऐसी सेरेमनी है जहां पे आपके सब चाहने वाले आके आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, एक एक करके वो लोग आते हैं स्टेज पे, और स्टेज पे आके आपके बारे में जो सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं वो बोलते हैं, आपके बारे में सारी अच्छी चीजें बोलते हैं जो जो आपने पूरी जीवन में करी, आपके कैरेक्टर ट्रेट्स, किस तरीके से आपने वो टास्क जो आपको मिला था उस टास्क से आपने कैसे इस जीवन को एक खूबसूरत जगह बनाया, इस दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाया. हाउ हैव यू मेड दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस? और जब जब आप ऐसा सिनेरियो विजुलाइज करोगे, आराम से, मैं अभी नहीं करवा रहा, जब जब आपको करना हो आराम से बैठ के इस सिनेरियो को विजुलाइज करके
आपको अपने आप से ये सवाल पूछने हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं ये सवाल एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि आपको अपने आप से क्या सवाल पूछने हैं। आपको पूछना है कि आप व्हाट डू यू वांट पीपल टू से अबाउट यू एट योर फ्यूनरल, कि लोग आपके बारे में क्या क्या बोलेंगे, आप क्या चाहते हो लोग आपके बारे में क्या बोले, आप क्या चाहते हो कि वो आपको कैसे याद करें। आपने जीवन में आके इस दुनिया में किस किस को इंपैक्ट किया, व्हाट एंड हुम, आपके कैरेक्टर ट्रेट्स, आपके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या क्या आपने डेमोन्स्ट्रेट करे, आपकी वैल्यूज क्या थी, आप ईमानदार थे, आप फ्रीडम में रहने वाले थे, आप शेयरिंग करते थे, क्या वैल्यूज आपने पोर्ट्रे करी, आपने किस चीज का साथ दिया, आपने रिश्तों का साथ दिया, आपने आजादी का साथ दिया, आपने किसका साथ दिया, वो सारी चीजें आपने बेसिकली क्या क्या अकम्प्लिश किया। आप जब 30 के थे, 40 के थे, 50 के थे, 60 के थे, 70 के थे, 80 के थे, आप लोगों ने आपकी लाइफ में क्या क्या अचीव किया, आपकी लीगेसी क्या थी, व्हाट योर लीगेसी, व्हाट्स योर लीगेसी। सो दीज क्वेश्चंस मैं आई विल पुट इट इन अ ग्रुप, प्लीज ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज एंड वेरी हार्ड एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन का मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड हमारे जीवन का मतलब क्या है। सॉरी, सो इफ यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीन शॉट, नहीं अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगा। आई वॉन्ट टू कम बैक, आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस एक्सरसाइज विद यू। जब जब मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, जब जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चलता है, सो दैट यू कैन लर्न आपके दिमाग में क्या चलेगा। आपको जब भी ये एक्सरसाइज करनी है, कोई वो SSG लगाना है, क्या लगाना है, SSG, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, SSG लगाना है। आपको ओवरथिंक नहीं करना, आपको अपने अपने आप क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको जबरदस्ती अपने थॉट्स को मैनिपुलेट नहीं करना कि एडिट कर दूं मैं, ये कर दूं मैं, वो कर दूं, नहीं, ऐसी चीजें होंगी बट यू हैव टू बी कॉन्शियस। आपको बिल्कुल क्लीन करना है, आप ये एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हो और आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये एक्सरसाइज करने में, बट इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है कि किसी तरीके से इसको करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया कि मेरे दिमाग में क्या क्या चलता है। लॉट ऑफ पीपल कैन गेट इंस्पायर्ड एंड थिंक द सेम वे, आप क्या चाहिए। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि लोग खुश रहें, यू नो, यू नो मी, आप लोग जानते हो कि लोग खुश रहें, पर जब जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मेरा ईगो है, मेरा जो ईगो है वो आ जाता है और वो चाहता है कि लोग सैड रहें और मेरे को मिस करें, राइट right? मेरा ईगो आके बोलता है कि यार ऐसे थोड़ी होगा, लोग मिस तो करना चाहिए ना मेरे को, थोड़ा तो सैड होना चाहिए ना उनको। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में बोले कि यार ही वाज अ काइंड मैन, ही वाज सपोर्टिव, ही वाज अ फॉरगिविंग पर्सन, हमेशा हंसता रहता था और हंसी बांटता रहता था। चाहता लोग बोले आके कि वो हमेशा हमारे लिए खड़ा था, उसकी नंबर वन प्रायोरिटी थी फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट। दूसरा, उसके पास क्लियर आइडिया था कि उसको जीवन में चाहिए क्या है, ही वॉज क्लियर अबाउट हिज पर्पस, ही वॉज क्लियर अबाउट हिज मीनिंग, कि वो चाहता क्या था और वो उसी रास्ते पे चलता रहा। अच्छा ऑर्गेनाइज था, ट्रस्टवर्दी था, जो बात बोलता था उस पर स्टिक करता था, अपनी जबान पे रहता था। मैं चाहता था कि लोग बोले ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, जब भी वो बोलता था तो लोगों को सिर्फ मजाक करता था, हंसाता रहता था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, ऑप्टिमिस्टिक इंसान था, पॉजिटिव देखता था, पॉजिटिव सोचता था, चाहे कोई अंधेरे में भी होता था तो उसको भी वो वहां पे पॉजिटिविटी दिखा देता था। अपने ही वॉज ट्रू टू हिमसेल्फ, आई वॉन्ट पीपल टू से दिस अबाउट मी, ही वॉज ऑनेस्ट, और जो भी टास्क उसने चालू किया वो खत्म किया। वो अपने कर्म में बहुत बिलीव करता था, अपने कर्मों में बहुत बिलीव करता था, एक ऐसा हार्ड वर्कर था जिसने मेहनत भी खूब करी पर जिंदगी को जिया भी ढंग से, अच्छी हॉलीडेज भी ली, अच्छे ट्रैक्स पे भी गया, अच्छा नेचर भी इंजॉय किया।
और उसने जो भी ट्रिप्स और छुट्टियां मनाई दिल से एंजॉय करी. ही वॉज अ स्मार्ट बिजनेसमैन. ही गेव एम्प्लॉयमेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल. उसकी वजह से लोगों के घर चले. बहुत अच्छी सोशल सर्विस करी. ठंड रहता था, फेयर रहता था. एंड ही वॉज हम्बल एंड काइंड. सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट कि मेरे बारे में मेरे फ्यूनरल पे ये बातें की जाए. आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि किस तरीके से आप लोग ये सोच सकते हो. जब जब आपका फ्रेम ऑफ माइंड सोचेगा और ये आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप जीवन में जाना कहाँ चाहते हो. आप अपनी लाइफ में जाना कहाँ चाहते हो. ठीक है. आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर देम एंड लव्ड इट यू. सो एनीवेज द थिंग इज मैं जब भी एक्सरसाइज करता हूं मैं मेरे इमोशंस अपने आप इतने बदल जाते हैं. मैं इतना ग्रेटफुल हो जाता हूं कि मैं लोगों को टच करना. सो यस्टरडे मॉर्निंग यू गॉट अ मैसेज फ्रॉम मी वेयर आई वॉज सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई सेंड इट टू ऑल द पीपल हु वर क्लोज टू मी टू टेल देम कि वो लोग मेरे लिए कितने जरूरी हैं. वो जो स्टेटमेंट आया था वो मेरे इमोशनल होके वो स्टेटमेंट जो आया था वो तब आया था जब मैं आई फिनिश दिस एक्सरसाइज दिस मॉर्निंग यस्टरडे इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल. माई इमोशंस वर सो नाइस एंड आई फेल्ट यस आई एम लिविंग अ सेंसिबल लाइफ. आई एम लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ वेयर आई हैव टू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ एंड टेक माई लाइफ फॉरवर्ड. So anyways, I know this is a very heavy exercise, but yes, it was very important for me कि कुछ लोग जो भटक गए हैं आप सब लोगों को ये realize होना चाहिए. Especially a lot of women जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर ली हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बट अब उनको लगता है कि हम क्या करें. बस पॉजिटिव रहना, gratitude में रहना, gratitude में रहना, और फिर जब ये इमोशनल डाउनफॉल आता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करूं. सो आपको अपने जीवन का मतलब, आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो मिलेगा वो ये एक्सरसाइज करने से मिलेगा. एनीवन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? आई नो दिस इज हैवी. आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुलाइज योर फ्यूनरल. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट बट प्लीज डू इट गाइस एंड ट्रस्ट मी शेयर इट विद द वर्ल्ड. यू वुड लव इट दैट दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ. यस नितेश जी. गुड मॉर्निंग रविया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा एक ही क्वेश्चन है रवि भैया. ये एक्सरसाइज इट्स नॉट मतलब बहुत हार्ड नहीं लगी मेरे को और ये चीजें दिमाग में कई बार आती है बट मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ तो होंगे जो अपनी बुराई भी करते होंगे चाहे वो फ्यूनरल में खड़े हो. यार आप लोग इस लेवल पे आ गए हो कि ग्रेटिट्यूड में हो गए हो आप तो ग्रेटिट्यूड वाले कभी भी बुराई नहीं करते यार. नहीं मेरा क्वेश्चन क्यों था मेरा क्वेश्चन ये वाला इसलिए था कि वो जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव बात उस समय कर रहे होंगे और आज प्रेजेंट में अगर वो हमको समझ में आ जाएगी तो क्या उस चीज को अपन बेटर कर सकते हैं. आप अपने कर्मों पे ध्यान दो आप वही कर सकते हो. ओके ओके दैट वाज माय क्वेश्चन. आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि लोग आपको आपके बारे में ये बोले. लोग आपके बारे में ये बोले. मैंने क्या बोला? मेरा अहंकार चाहता था कि लोग मेरे को मिस करें. ठीक है. अब आज अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप लोग मिस तो करोगे ना ग्रेटिट्यूड क्लब को. यस और नो? दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड. आई एम मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया में क्या वैल्यू दे सकता हूँ, मैं किस तरीके से चीजों को आगे ले जा सकता हूँ. दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. लेट्स नॉट रन अवे फ्रॉम इट. पिछली बार जब मैंने कराई थी बहुत लोग नाराज हो गए सर ये क्या चीज है आप क्या करवा रहे हो हम ऐसे कैसे हो सकता है हम अपने फ्यूनरल पे हो सकते. प्लीज एक्सेप्ट इट एंड आपको दिस इज जस्ट टू गेट क्योंकि अपना पर्पस ढूंढना बहुत मुश्किल है लाइफ का. इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी. एटलीस्ट आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको डायरेक्शन मिल जाना है आप क्या चाहते क्या हो. हाँ सर बहुत सारे लोग मैं खुश हूँ मैं नाच रहा हूँ मैं पॉजिटिव हूँ मैं जॉयफुल हूँ मैं बड़ा मस्त हूँ. ठीक है इट्स ओके. पॉजिटिव इमोशंस आर गुड बट You have to have a sensible, meaningful life. आप किस उद्देश्य के लिए आए हो. स्पेशली हमारे देश में प्रॉब्लम यह है लोगों के पास मीनिंग नहीं है. स्पेशली लॉट ऑफ वुमेन हियर प्लीज आई एम टेलिंग यू आप लोगों ने
अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, बच्चों को बड़ा कर लिया, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, अब आपके जीवन में क्या, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हम तो बस यही करेंगे, क्यों? लेट्स गिव अ मीनिंग टू योर लाइफ. इट्स इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेंथ क्या है. यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या टास्क, क्या मिशन पे आए हो और उस मिशन को आप कैसे जी सकते हो, वो पता करना बहुत जरूरी है. चलो मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, पर्पस पे कहना है. मेरा ये कहना रवि भैया जो कह रहे हैं, और रवि भैया बहुत ही अच्छी चीज कह रहे हैं, सेंस ऑफ पर्पस विल गिव यू ट्रू हैप्पीनेस. आप एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट द पर्पस शुड ब्रिंग मनी. सो आप मनी को हटा के सोचोगे तो पर्पस बहुत क्लियरली निकलेगा, पर्पस दिल से निकलेगा. जहां पे भी पैसे की बात आती है वहां पे वो पर्पस डाइल्यूट होके मनी मेकिंग एक्टिविटी रह जाती है, और फिर वो आप दिल से नहीं करते हो. सो यू नो मेक एनी ऑफ योर वर्क सर्विंग, यू नो सर्विंग पुअर इज ऑल्सो अ पर्पस. सो सर्विंग, हाउ कैन यू सर्व, हाउ कैन आई सर्व टूडे, हाउ कैन आई सर्व नाउ, वट कैन आई सर्व एंड वट एम आई बेस्ट एट इट. तो आप जैसे पैसे को दूर रखोगे तो खट करके आपको है ना उस पर्पस वाली फीलिंग आएगी कि मेरा पर्पस ये है. सो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लिविंग योर पर्पस, मनी इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लिविंग योर पर्पस. सो जब आप पर्पस और मनी को अलग कर लोगे तो बहुत क्लैरिटी होगी पर्पस ढूंढने में. एंड दैट आई वांट टू ऐड ऑन दिस पॉइंट. ग्रेट गाइस, ग्रेट, थैंक यू सो मच. सो Anyway, yeah, Shruti ji and Om ji, I want to hear it from Shruti ji. Yeah, Shruti ji, aapki jo sharing aati na, badi maza aata hai. Question bhi bade hote hain. No, no, what I actually have already done this exercise, but there is one more question which I added to it, and it really helped me in my purpose. So I can I just share the question? Yes, please. So the question is that, is there anyone besides my friends and family who might remember me fondly? Yes, you can add it. Yeah, so it really helped me to be even more kinder and even more loving and even more empathetic, you know, so many more qualities which will add on, you know, because somebody who's not your friend or your family will still remember you fondly when you're not there. I mean, it can really impact a lot of lives that way. Wow, mere ko to yaad karogi na. और वी विल स्टैंड अप, वी विल लाफ आवर हार्ट आउट बिकॉज वी आर अलाइव, वी आर ग्रेटफुल, वी आर एंजॉयिंग द अबंडेंस व्हिच गॉड हैज ब्लेस्ड अस. सो उससे पहले मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग या आपके परिवार में बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ को ढंग से नहीं जी रहे, जो अपने पोटेंशियल को नहीं जी पा रहे, दे आर नॉट ऑपरेटिंग एट फुल पोटेंशियल, वो अब करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, वो अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को सुधारना चाहते हैं, अपने करियर को सुधारना चाहते हैं, अपने अपने पूरे एरिया को सुधारना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ उनको पकड़ के खड़ा है पीछे, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं. वो एक रेजिस्टेंस जो उनकी लाइफ में आ गया है, वो उन रेजिस्टेंस के आगे बढ़ नहीं पा रहे, चाहे आप लोग हो, चाहे आपके आसपास के लोग, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो. आई एम श्योर आप सब लोग और वो लोग एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो एक हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में आ जाए, एक हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में आ जाए, एक हाई लेवल ऑफ ग्रेटनेस में आ जाए. राइट, वी ऑल वॉन्ट दैट कि हम लोग रॉकेट बन जाएं, हम सब लोग रॉकेट बन जाएं. तो जो अपना नया कोर्स आ रहा है, अब आपको जल्दी से उसके बारे में डिटेल मिल जाएंगी. आई वुड रियली वॉन्ट एंड आई वुड रियली नीड योर हेल्प. मैं दिल से चाहूंगा कि उस कोर्स से आप अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करा दो. एंड आई प्रोमिस यू इट्स अ माइंड ब्लोइंग कोर्स, इट्स द नीड ऑफ द आवर. मैं और अंकित हम सब पिछले 8 महीने से उस कोर्स पे काम कर रहे हैं, और वो कोर्स ही एक्शन 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 रिलेटेड कोर्स है, और उसके लिए आप तालम डोली प्रोकेस्टिनेट कर ही नहीं सकते. सो आई वुड रियली वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हेल्प अस प्रमोट इट. और जिस जिस लोगों को जरूरत है, मेरे को तो लगता है बहुत सारे लोगों को जरूरत है, तो आप उनको प्लीज इस कोर्स के बारे में बताइएगा. मनाली विल शेयर द डिटेल्स विद ऑल ऑफ यू सून.
And any questions before we end, I want, we should laugh. We should laugh our heart out. Yes? Ankit, yes, you can take any questions. Laugh your heart out. Heart out. Laugh? Love bole, laugh bole. अंकित जी और रवि जी आपका थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू. नमस्कार अनु. नमस्कार जी अनु. वाई वो अटेंड करते हैं सेशन, तो हम लोग क्या करते हैं इसको टीवी पे डाल लेते हैं, तो पूरा घर अटेंड करता है और ऐसे वो अटेंड होता रहता है और बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हुए. तो आप आज का जो पॉइंट था ना, इसमें मीनिंग फाइंड करने का, सो मेरा आई जस्ट थॉट टू मैं अपना शेयर एक्सपीरियंस शेयर करूं. टेलीकॉम प्रोफेशनल हूं मैं, कुछ 23 इयर्स निकालने के बाद डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्रोफाइल हुआ, सब कुछ ठीक था, 5-star होटल्स थी, बिजनेस क्लास ट्रेवल था, सब कुछ ठीक था, पर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं. एंड फिर मुझे समझ में ये आ रहा था, लिटरेचर पसंद है मुझे, शायरी बहुत ज़्यादा पसंद है रवि जी, तो शायद ये सब चीज़ों के चलते मुझे लग रहा था कि इंडिया में बच्चों के लिए अच्छा लिटरेचर नहीं है, या तो है तो बहुत कॉस्टली है या फिर इंडियन नहीं है. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ चिल्ड्रन मैगजीन एंड पब्लिकेशन. 8 years हो रहे हैं, लाइफ को मैंने इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया. टेलीकॉम में मैंने बहुत ग्रोथ किया और इन्जॉय भी किया, लेकिन इतना इन्जॉय जो मैंने अपनी पिछली 8 years की लाइफ में किया है उतना मैंने कभी नहीं किया. तो वो जो मीनिंग मिलने वाला बात है बहुत ज़रूरी है. पैसा उतना नहीं है, हो सकता पैसा ना हो, बट आई एम मच हैप्पियर, आई एम मच 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 हैप्पियर. सो मच सो कि आज मॉर्निंग में सेशन शुरू होने के पहले हम लोग जल्दी उठ रहे थे, बाहर वॉक करने वाले थे, बारिश बहुत तेज थी, हम लोगों ने 3 rounds बारिश में वॉक किया एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि बारिश हो रही है, बारिश अपने लिए हो रही है. तो ये लाइफ इतनी खूबसूरत पहले थी नहीं जितनी अब हुई है. तो थैंक्स टू यू, थैंक यू यूनिवर्स. सर पैसा, सर मैंने ना बीच में एक है ना ग्रेटिट्यूड क्लब में क्वेश्चन भी डाला था, व्हाट इज द फूड फॉर योर सोल. सो आई एम टेलिंग यू, फूड फॉर द सोल इज लव. लव इज द फूड फॉर द सोल. आपकी सोल को प्यार चाहिए, हर किसी की सोल को प्यार चाहिए, पैसा चाहिए. ये क्वेश्चन डाला था, याद है किसी को? और लोग बोले नहीं पैसा भी चाहिए, पैसा लव भी चाहिए, बट आपकी सोल को सिर्फ लव चाहिए, लव. एंड लव विल ओनली कम व्हेन यू आर वर्किंग ऑन पर्पस. सो सर इससे बड़ी कोई चीज नहीं है. और वेरी लकी, हम तो पैसे के गुलाम है, हम तो पैसे के गुलाम है, आप जी तो आप रहे हो सर, रियली बता रहा हूँ आपको. ट्रस्ट मी, इफ आई वॉज एट दैट योर प्लेस, फॉर मी आई नो हाउ हाउ यू नो यू आर वर्किंग फॉर अ मनी इज लाइक स्लेवरी. And I don't, मतलब आप वो पैसा खर्च भी नहीं करने वाले. So I think जो आप पैसा earn भी कर रहे हो ना, you are living that money. So you know that's called life. That's called life. And sir, ये छोड़ना, ये ना energy देना छोड़ दो इसको, कि इसमें ना पैसा नहीं बन पा रहा. तो कहीं ना कहीं आपको है ना वो मनी के साथ जो energy है, मनी के साथ जो relationship है, उसको भी सही करना है. वो जैसे alter हो जाएगी ना, इसके भी growth के platforms आ जाएंगे. So change that thing also. मतलब change that relationship with money. तो जिस तरीके है ना सर, इसको करो आप अपने आप ही रॉकेट लगेंगे सर. पैसा 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 इस पैसे की जो मेरी क्लैरिटी है इसके अंदर, कि पैसा कम आता है आपके रिलेशन, आपकी रिलेशनशिप विद मनी कैसे है, आप मनी के साथ कैसे रहते हो, आप मनी को डील कैसे करते हो, मनी को आप कितना ध्यान कर, मतलब पैसे को आप इंसान समझ जाओगे ना, और उस इंसान से आपकी दोस्ती है या नहीं है आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फ्लो ऑफ मनी कैसा है लाइफ के अंदर. So money is like that. So money is a different topic, but living your life with happiness and love is this simple. Living your purposeful life, that's it. Super, sir. Super. I'm so happy for you. So happy for you. Yes, Rajendra, sir. First of all, I want to thank both of you and the whole club for the gratitude. So I want to go back to the happiness topic for just one quick second. And what I'm trying to do, and I've read about it, is even-temperedness, whether you're stressed or happy or whatever, if you are always calm, equanimity, that gives me happiness. I'm not claiming that I'm there, but that's what I'm trying. So I want Raviji and Ankitji, your input in that. Where does the...
even temperance, equanimity fade into happiness. कल ही मैं पढ़ रहा था किताब में, आप मेरी बात से रिलेट कर पाते हो नहीं कर पाते बताना आप, कि आपको ओके टाइप्स लग रहा है, इज इट फीलिंग गुड और इज इट फीलिंग बैड? आई एम ट्राइंग टू फील गुड एट ऑल टाइम्स, दैट्स व्हाट इट्स इक्वानिमिटी इज. सर मैं बस इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, एंड यू आर रिप्लाइंग दैट आई एम फीलिंग ओके. नो, आई एम फीलिंग गुड एंड हैप्पी. यस, तो बस ये जो चीज है ना, तो ये कामनेस वाली जो फीलिंग है ना सर, ये अपने आप आएगी आपका जवाब जब भी ऐसा आपने देखा होगा, मेरे से आप पूछोगे, रवि भी ऐसे पूछोगे, कैसे हो आप, हम दोनों ऊपर के बोलेंगे सर वाओ क्या जिंदगी है. हमारी जिंदगी के पीछे कुछ भी चल रहा हो डजंट मैटर, बट हम हमारा फ्रंट हमेशा ये रहेगा. तो आप ये मान के चलो डाउन द माइंड हमेशा अंदर किसी के कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बट हम जो एनर्जी बाहर भेज रहे हैं वो हमेशा एनर्जेटिक वाली चाहिए. कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, सुपर उमदा, मतलब सामने वाले को जोश आ जाए कि क्या एनर्जी भेज रहे हो आप. सो इसके पीछे सर कॉन्सेप्ट क्या है कि वी एज ए ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, अ वेरी हैप्पी लाइफ, एंड वट एवर वी गिव वी रिसीव, वट एवर वी गिव रिसीव. अगर हम किसी से मिल रहे हैं और हम पूरी अपनी एंथुजियाज्म, पूरी अपनी एनर्जी के साथ किसी का ना गुड विशेस दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, वी विल रिसीव बैक फ्रॉम द यूनिवर्स. सो ए पॉइंट क्या है इसके अंदर सर, जो हमारी एनर्जी है हम दे क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं. सो देर आर सर्टेन मोमेंट्स वेयर द एनर्जी गोज डाउन, where the energy goes down, where the energy goes into a very negative zone. I also come in that thing, है ना? ऐसा नहीं कि मैं नहीं आता, but the whole trick कि उस वक्त आप कैसे अपनी energy को ऊपर लेके जाओ, how to bounce back from that energy, and the recent way I am doing it is to start giving love, start giving love. आपने देखा होगा recently I started doodling also. I don't know you have not seen it or not, but yes, that, and I doodle it in the night. I doodle in the night where everybody sleeps, and I put my heart and mind, everything into it. It's like a child designing it. So I'm not good at, you know, making sketches and all those things, but that thing is coming from my heart. And I recently got a compliment, he's Ankit, you know, we can see a kid inside you doing that doodles, and you know, wo kid ko zinda rakhna, start, no, keep doing that doodle. So for me, start giving love, sir. Whenever you're feeling low, whenever you're feeling bad, start giving love to people around you, to people around you. And aap dekho ki aapko lot ke kitna milta hai, palat ke kitna milta hai. You will get love. And sir, aur purpose jeena, purposeful life. Aapka purpose kya hai? Life ka purpose kya hai? Yes. कर लेंगे राजेंद्र सर, बट आई लाइक टू व्हाट अंकित इज सेइंग, कि ये लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये शब्द आप जब भी बोलोगे ना तो आपके इमोशन बदल जाएंगे ना. व्हेन यू टॉक अबाउट दीज वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर कुछ होने लग जाता है, हलचल मचने लग जाती है, आपके इमोशन बदलने जाएंगे. अगर आप एक बार आप सब लोग बोलोगे सर, लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, राइट, आपके इमोशंस अपने आप बदल जाते हैं. और जरा इसको रिपीट किया करो 2-4 बार दिन में, देखो कैसे बदल जाते हैं. मैंने तो एक वो शायरी की बात हो रही है, तो ये लव, इस इश्क शब्द के जाल में इस कदर फंसे हैं, सुनना आप लोग, इस इश्क शब्द के जाल में इस कदर फंसे हैं, इश्क की सारी हदें पार कर चुके हैं. जब से इस शब्द की अहमियत समझी है, तब से शायर बन गए. सो ग्रोटा की बात बोलूंगा, whoever has love will be given more. Whoever have love will be given more. शेरों वाली, मेरा वो जो फेवरेट, मेरा जो शेर जो मैंने कंपोज किया है, आई लव सेइंग दैट. सो राजेंद्र सर को भी याद आएगा, वापस से बताता हूँ. फूलों की दुकान खोल, इत्र का व्यापार कर, अगर इश्क करना खता है तो ये खता तू बार बार कर, ये खता बार बार कर, अब इश्क कर ही लिया तो झुकना पड़ेगा, फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, इश्क में झुकेगा तो जहान है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है. या
इश्क लव लव इज इम्पोर्टेंट. वो ये जो अंकित कर रहे हैं आजकल जो जिस फील में है वो आई कैन अंडरस्टैंड वो एक लव वाली फील में है एंड ही इज एंजॉयिंग दैट मोशन. सो उसमें ना जो बुक में लिखा था राजेंद्र सर जैसे अपन काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं राइट इन मैजिक वी डू काउंट योर ब्लेसिंग्स. राजेंद्र सर आप हैं? जब तक लव लिखते रहो जब तक आंखों में आंसू नहीं आ जाए. इतना प्यार करो और जितना प्यार आप दोगे ना उतना प्यार पलट के मिलेगा. उतना प्यार That's a law, not by me, Einstein. The more jitni energy aap doge, utni energy aap receive karoge. Simple, straight. Start giving that energy of love. You know, feel that energy of love. It's beyond imagination. Ankit, can we call it off now? Before I call it off, can I request everyone, please, agar aapko ye session laga, to group pe kuch messages dal dijiyega so that others are motivated to come. And before we go, let's finish it up nicely. एक बार आप सब लोग कैमरा चालू कर लो और एक लाफ्टर सेशन कर दे, दिल खोल के हंस देना, मजा आ जाएगा. You know, let's make our day. Let's build up the energy for today. पागलों की तरह हंसते हैं, मतलब इससे ऐसे हंस लो कि कभी नहीं हंसे. ऐसे हंस लो जैसे कभी नहीं हंसे, राइट? उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी बिल्डअप करनी पड़ेगी और एक अच्छे फील में आना पड़ेगा. अमिता जी खड़े हो जाओ. आस्था किचन में हो कोई बात नहीं, हंस तो लो. एवरीवन प्लीज प्लीज ओपन द कैमरास, लेट्स एक्सचेंज द एनर्जी प्लीज. कोशिश पीछे वालों जिन्हों का कैमरा बंद है एक बार आ जाओ, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट. मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूं सो दैट वो जो हंसी की आवाज है वो गूंजे और लोग बोले कि पागल लोगों का सेशन चल रहा है. ओके सो थैंक यू हम राह ताके बैठे है कोई इजाजत दो, हम राह ताके बैठे है कोई इजाजत दो. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.